वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है जर्मन अल्फाबेट। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर दिस इंट्रो। बात करते हैं अपने जर्मन अल्फाबेट्स के बारे में। जर्मन में जो है टोटल इंग्लिश की तरह सबसे पहले तो 26 अल्फाबेट सेम टू सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है लेकिन लिखने में सेम होते हैं ए टू जेड। उसके बाद इसके अंदर चार एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स होते हैं। पहला अल्फ़ाबेट होता है ए उमलाउट, दूसरा ओ उमलाउट, तीसरा यू उमलाउट और चौथा होता है शार्फिस एस, यानी जिस जो हमारे बीटा साइन की तरह भी दिखता है, जिसका साउंड होता है डबल एस का। सो आइए हम सभी अल्फ़ाबेट्स का एक एक करके प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। पहला अल्फ़ाबेट है आ, नेक्स्ट बे, से, दे, ए। ई को हम जो हमारा इंग्लिश में ए होता है वैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट एफ, एफ सेम होता है जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। जी को कहते हैं गे, एच को हा, आई को ई, जे को यॉट, के को का, एल को एल पढ़ते हैं, एम को एम, एन सेम है एन। नेक्स्ट ओ, ओ को भी हम सेम पढ़ते हैं ओ। नेक्स्ट पी, पी को हम पे पढ़ते हैं। क्यू को कू, आर को एख या फिर एर। उसके बाद एस को से, टी को टे, यू को ऊ, वी को फाओ, डब्लू को वे, एक्स को एक्स, वाई उप्सिलॉन एंड जेड को हम रीड करते हैं सेट। तो ये तो हमारे हो गए ए टू जेड। अब हम अपने उन चार स्पेशल अल्फाबेट्स की बात करते हैं। अब ए उमलाउट की साउंड जो है इंग्लिश में ए अल्फाबेट होता है वैसे आती है, और जो हमारा नॉर्मल ए है जर्मन का उसका साउंड आता है आ। तो नॉर्मल ए आए तो हम बोलेंगे आ, और ए उमलाउट आए तो बोलेंगे ए। सो हमारा जो ओ उमलाउट है उसको हम यो पढ़ते हैं, और नॉर्मल जो ओ होता है उसको ओ पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना चलते हैं यू उमलाउट की तरफ। हम नॉर्मल जो यू है उसको ऊ पढ़ते हैं, लेकिन यू उमलाउट को हम यू पढ़ते हैं, वाई ओ यू, ये वाला साउंड यू देगा। तो बाद अब हम लास्ट अपने अल्फाबेट की तरफ चलते हैं, जो है बीटा का साइन जिसको हम एसेट कहते हैं। ये जो है एस और जेड दोनों की मिक्स साउंड देता है। जैसे मैंने कहा हाइज, तो यहाँ पे देखो ये बीटा वाला साइन, ये जो हमारा है शार्प एस, ये आया तो हाई ज, इतने एस और टी दोनों की साउंड निकाली। तो ये तो थे हमारे अल्फ़ाबेट्स। और इसके अंदर अगर आपको जो है कुछ फोनेटिक्स के बारे में भी पढ़ना है, मतलब कि जैसे सी एच जो है उसको अगर हम आई के साथ लगा दें तो श की साउंड देता है लाइक इश, और वही अगर हम उसको ए यू इन सब के साथ लगाए तो जैसे कि आख्त, तो यहाँ पे ख की साउंड दे रहा। अगर इन सब के बारे में आपको पढ़ना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आई बटन में भी मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको कुछ समझ आया होगा, और हम जो ये एकदम बेसिक से कर रहे हैं धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे ताकि सभी बच्चों का कवर हो पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।